अनुराग भाई, अगर आपकी बॉडी और मुनव्वर की हाइट को नजर में रखा जाए तो लक्ष्य चौधरी ने काफी भयंकर तरीके से रोस्ट कर दिया यूके जेरुसमन राइडर को। दरअसल आपको पता होगा, कुछ टाइम पहले यूके जेरुसमन राइडर ने मुनव्वर फारूकी को चैलेंज किया था बॉक्सिंग मैच के लिए, इसी वजह से लक्ष्य चौधरी ने यूके जेरुसमन राइडर को रोस्ट कर दिया। मैं आपको छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ, आप देखिए। UK07 मतलब जीरो ट्रैवल कंटेंट और महीने की 7 कार डिलीवरी। अनुराग भाई का मानना है कि UK07 नाम में लिखने से वो अपने शहर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब यही उनका कंट्रीब्यूशन है देहरादून को। अब अनुराग को कौन समझाए कि बेरोजगार बच्चों को सड़क पे इकट्ठा करना कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं बल्कि वायलेशन है। जितनी कार डिलीवरी अनुराग अपने चैनल पे लेता है भाई, मैं तुमसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि एक कार और बाइक खरीदने से पहले ना ये डिलीवरी वाला कपड़ा खरीद लो, बार बार शोरूम वालों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। UK07 की वीडियोज में इतनी गाड़ी और बाइक है, इतनी गाड़ी और बाइक है कि उसकी सक्सेस से सबसे ज्यादा खुश उसके माँ बाप नहीं बल्कि पेट्रोल पंप वालों के बच्चे होते हैं। सोशल मीडिया का माना जाए तो अनुराग भाई मोटो व्लॉगर है। मोटो व्लॉगर मतलब वो व्लॉगर जो पहले कार और बाइक एक्सप्लोर करता है और उसके बाद उनसे दुनिया एक्सप्लोर करता है। बट अनुराग भाई का सीन थोड़ा अलग है, वो अलग अलग कंपनी के शोरूम में जाकर उनका डिलीवरी वाला कपड़ा एक्सप्लोर करने निकले हैं। उधर एलविश वर्सेस मैक्सटन चल रहा था, एकदम इधर बाबू भैया की एक स्टोरी आई इंस्टाग्राम पे, सबको लगा कि भैया एलविश के सपोर्ट में आई होगी। लेकिन 1v1 बॉक्सिंग फाइट के लिए तेरे को चैलेंज कर रहा हूँ, और अगर एक्चुअल में दम है ना भाई, ये फेक गैंगस्टर फेक ट्रोल। अनुराग भाई, अगर आपकी बॉडी और मुनव्वर की हाइट को नजर में रखा जाए तो रिंग फाइट तो नहीं पर हाँ पेन फाइट जरूर कराई जा सकती है। उसमें भी अगर हम प्रॉफिट की सोचे और ₹10 पे पर व्यू रख दे तो तुम दोनों की 80% ऑडियंस के बजट से बाहर हो जाएगा। और तुम्हें मुनव्वर से मिलना ही क्यों है? भूल गए जब से उससे एलविश मिला है तब से उसकी किस्मत में कैसी पनौती लगी है? पता है तुम लोगों को कि बाबू भैया ने बिग बॉस की ट्रॉफी क्यों नहीं जीती? जीती हटाओ, वो जीतना चाहते ही नहीं थे। बाबू भैया फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उन्हें पता था कि बिग बॉस की ट्रॉफी जो जो भी जीतेगा। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, मुनव्वर फारूकी को मुंबई पुलिस ने हिरासत में लिया है। यूट्यूबर एलविश यादव जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए। बिग बॉस को अपने अगले सीजन से विनर को ट्रॉफी के साथ साथ एक वकील भी दे देना चाहिए।